पहले कहाँ और घूमेंगे बाहर? जम्मू में गए और जम्मू से बाहर नहीं गए। जम्मू में कहाँ गए देखने के लिए? स्कूल की तरफ से पिकनिक पे। तो आप लोग में से और कौन जो है बाहर ट्रिप में गए हुए हैं? तो अभी आपके मन में क्या है, क्या सोच के? एडवेंचरस होगा। कौन सी क्लास से? सबसे जूनियर मोस्ट क्लास से कौन है? नाइन जूनियर मोस्ट है। अच्छा, दिस टाइम वी आर जस्ट एक्साइटेड टू वी आर हैविंग अ ट्रिप एंड ऑल दैट, बट व्हेन दे व्हेन दे कम बैक डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स, दे शेयर देयर एक्सपीरियंस। अच्छा ट्रिप रहेगा फिर, आप लोग सब एक साथ जा रहे हैं, है ना? तो एक तो आपकी खुद यहाँ तो रहे, द ट्रैवलिंग बाय बस ना? यस सर, बस। तो पूरा बस के अंदर भी आपकी पिकनिक पार्टी चलती रहेगी, है? चलो गुड, बहुत अच्छा रहेगा, है ना? आपके साथ राहुल भी जैसे सर यदि साहब आप जा रहे हैं साहब? हाँ सर। तो साथ ध्यान रखना सबका, ध्यान रखना हर तरीके से ना। एनसी आर आल्सो गोइंग विद देम एंड वन एनसी इज ऑलरेडी गोइंग वन स्टेप। मुझे पूरा उम्मीद है आपका जो एक्सपीरियंस है बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। किताबों में तो आपने पढ़ा होगा, पर जो किताबों में पढ़ा है उसको अभी जमीन पे देखने का अच्छा मौका है। चाहे वो हमारी ना, आपको अलग अलग लोगों के खाने के तरीके, वहां पे जाओगे मौका मिलेगा तो अपने अपना कुछ पॉकेट मनी भी कैरी कर रहे हो और जो बढ़िया अच्छा मौका है हर तरीके से। हो सकता है देयर आल्सो इंटरेक्टिव इन सम स्कूल ये ले लीजिए अगर जा सर टूर पे जा रहे हैं वो तो कर रहा हूँ। हम आर्मी की तरफ से अरेंजमेंट किया हुआ है टूर के लिए जा रहे हैं, जहां हमारा 10 दिन का टूर है। इस टूर के दौरान हम विभिन्न हिस्टोरिकल प्लेसेस और टूरिस्ट प्लेसेस देखेंगे। हमारा टूर हम सुबह 7 बजे घर से निकल गए हैं। हम अभी धुमाना में हैं, हमारे यहां पर है आर्मी हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं। हमें यहां पर मौका मिला CO साहब से इंटरेक्ट करने का। उन्होंने वहां पर टूर पे जाके आप किस तरीके का देखोगे, जैसे कि आप इंडिया में पहली बार जा रहे हैं भारत में, किस तरीके का लगे? ये हमारे लिए पहली बार मौका है कि हम जम्मू से बाहर जा रहे हैं। इस दौरान हम बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेसेस देखेंगे, जैसे दिल्ली का रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन भी हम जाएंगे। ये हमारे लिए पहला बार मौका है कि हम दिल्ली जम्मू से बाहर जा रहे हैं। हम बॉर्डर एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारा स्कूल बॉर्डर एरिया में लाई करता है, और ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम है कि हम बॉर्डर एरिया से बाहर जा रहे हैं। और हमें इस दौरान मौका मिलेगा कि हम अपने इंडिया के विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो देखने को मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, अलग अलग प्रकार की भाषाएं सुनने को मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के लोगों को देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रकार के चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये हमारे लिए बहुत ही एडवेंचरस सफ़र होने वाला है, और इसलिए हम आर्मी वालों को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए ये अरेंजमेंट किया और हम
तह दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये हमारे जो बॉर्डर के इलाके के दूर दराज के जो स्कूल हैं, परगवाल जो हमारा बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ इलाका है, वहाँ से जो स्कूली बच्चे हैं वो भारत दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारा जो ऑफ सद्भावना का एक आउटरीच प्रोग्राम है उसके तहत इन बच्चों को हम आगरा, जयपुर, दिल्ली इन सब इलाकों में ले जा रहे हैं ताकि भारत कैसा है ये वो देख सके, जो इन्होंने किताबों में पढ़ा है, जो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है उसका ज़मीनी हकीकत देख सकें, जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, जो खान पान रहन सहन है और जो पुराना इतिहास है उसको भी वो समझ सकें, लोगों से मिल सकें, जो इनका अपना ज्ञान है उसका विस्तार हो सके, जो ज़मीनी चीज़ों को देखकर लोगों से मुलाकात कर जो प्रैक्टिकल शिक्षा है उसको हासिल कर सके, उस मद्देनज़र हम ये ऑफ सद्भावना के तहत चलाते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हर साल साल दर साल हम और बच्चों को इस प्रकार भेज सके ताकि उनको भारत के बारे में जानने का मौका मिले, अपने ज्ञान को विस्तार करने का मौका मिले। थैंक यू।